guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub. And today in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai, and we'll discuss about the chapter 8 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the previous chapter summary and analysis also. So agar aap logon ne wo sari videos nahi dekhi hain तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर ऑफ इन कस्टडी. सो गाइज, देवेन मेंटेन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली फॉर सम टाइम. सो गाइज देखो, लास्ट चैप्टर चैप्टर 7 में हमने देखा था कि जो नूर की वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ, वो देवेन से पेमेंट की बात करती है कि नूर साहब तुम्हें इंटरव्यू देंगे तो बदले में वो कुछ पेमेंट भी तो एक्सपेक्ट करेंगे. सो यहाँ पर जो देवेन है वो इस बात से परेशान हो जाता है और वो कुछ टाइम के लिए दिल्ली नहीं जाता है. एंड देवेन एंड हिज वाइफ सरला टॉक अबाउट. सो गाइज, जो देवेन की वाइफ है सरला, वो उससे पूछती है कि अब तुम सिटी नहीं जा रहे हो क्या, अब तुम्हें काम नहीं है क्या. सो गाइज, जब सरला देवेन से ही पूछती है तो देवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट देवेन जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सरला को कहता है कि वो सिटी जब ही जाता है जब उसे कोई काम होता है, और कहता है कि अगर उसे कोई काम होगा तो वो दोबारा जाएगा. सो गाइज, इस तरीके से इनकी यहाँ पर लड़ाई सी चल रही होती है. और गाइज, जो सरला है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो किचन में जाकर अपने बच्चे पर चिल्लाती है. सो गाइज देखो, इससे हमें ये पता लग रहा है कि सरला अपने बच्चे पर चिल्ला रही है बिकॉज वो अपने हस्बैंड पर नहीं चिल्ला सकती है, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी हमारी है, हम अपने हस्बैंड्स पर नहीं चिल्ला सकते, ऐसा माना जाता है. सो गाइज, इस तरह इनकी लड़ाई चल रही थी. एंड देवेन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ कम्प्लीट फेलियर. सो गाइज, देवेन यहाँ पर क्या सोचता है कि वो सच में ही एक फेलियर है, बिकॉज जो उसने पोएम लिखी वो भी मुराद ने रिजेक्ट कर दी, जो उसने मोनोग्राफ नूर के ऊपर लिखे वो भी पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, ना ही उसकी कॉलेज में कोई रिस्पेक्ट है. सो इस चीज़ से जो देवेन है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, वो सोचता है कि वो एक फेलियर है. एंड गाइज, देवेन इज स्लीपलेस इन द नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोज टू सिद्दीकीज हाउस. सो गाइज देखो, रात में जो देवेन है वो सिगरेट पी रहा होता है, मतलब उसे नींद ही नहीं आती है, वो सोचता है कि वो तो एक तरीके से जाल में फंस चुका है. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे, अगर उसे इंटरव्यू लेना है तो उसे पैसों का इंतज़ाम करना होगा नूर की वाइफ को देने के लिए, और इसीलिए वो सुबह जाता है और रास्ते में अपने आप को देखता है कि वो तो सिद्दीकी के घर की तरफ जा रहा है. तो वो सिद्दीकी के घर चला जाता है एंड आबिद सिद्दीकी इज़ अलोन ऑन द टेरेस एंड ही सेंड्स हिज सर्वेंट छोटू टू गेट सम कबाब. सो गाइज, जो देवेन है वो सिद्दीकी के घर पर चला जाता है और सिद्दीकी सरप्राइज, मतलब शॉक्ड हो जाता है उसे देखकर कि देवेन यहाँ पर आया है. और वो उसके बाद देवेन को एक चेयर सर्व करता है और वो देवेन को देता है ड्रिंक करने के लिए एक ग्लास, मतलब अल्कोहल देता है देवेन को, और वो भेज देता है छोटू को कुछ कबाब खरीदने के लिए और कुछ पुलाव लाने के लिए. वो छोटू जो है उसका सर्वेंट है, वो छोटू को बोलता है कि जाओ कुछ कबाब ले आओ. एंड देन आबिद सिद्दीकी टॉक्स अबाउट छोटू, विच गिव्स अस अ क्लियर हिंट दैट सिद्दीकी हैज अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप विद छोटू. सो गाइस, जो आबिद सिद्दीकी है ना, वो छोटू के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करता है. वो क्या बोलता है देवेन को कि जो छोटू है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर है और वो छोटू को प्रमोट करेगा, मतलब छोटू को ऑल इंडिया रेडियो में कोई जॉब दिलवाएगा ताकि जो उसका खर्चा है वो अच्छे से चल सके. और वो छोटू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और कहता है अगर तुमने एक बार छोटू के गाने सुन लिए तो तुम उसके दीवाने हो जाओगे. सो गाइस, ये सब बातें हमें हिंट दे रही हैं कि आबिद सिद्दीकी का छोटू के साथ एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है. सो गाइस, उसके बाद जो छोटू वो कबाब वगैरह लेकर आ जाता है और जो सिद्दीकी के कुछ फ्रेंड्स थे मेहताब अनवर, उन्हें भी सिद्दीकी बुला लेता है और उन्हें छोटू अच्छे से ग्रीट करता है. उसके बाद ये सब मिलकर यहाँ पर टेरेस पर पार्टी करते हैं, पोकर खेलते हैं. और गाइस, इस पोकर के गेम में पहले तो जो देवेन होता है वो खेलने से मना करता है, फिर वो खेलने लग जाता है तो वो हारता चला जाता है. एंड देन जो देवेन है वो परेशान हो जाता है एंड देवेन अटर्स नूर्स नेम एंड देन सिद्दीकी आस्क अबाउट द टेप्स एंड देन देवेन टेल्स हिम अबाउट एन ऑब्स्टेकल. सो गाइस, देवेन जो है सिद्दीकी से बात करना चाहता है लेकिन वहाँ पर उसके इतने सारे फ्रेंड्स आ गए थे तो देवेन बात नहीं कर पाता है. तो देवेन आराम से नूर का नाम बोलता है तो सिद्दीकी पूछता है हाँ भाई टेप कहाँ पर है, लाओ टेप रिकॉर्डर दे दो, हम भी तो सुने उन्हें. तो उसके बाद देवेन बोलता है कि टेप रिकॉर्डर नहीं है, वो टेप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया. और उसके बाद वो बताता है कि क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो नूर की फैमिली है वो बदले में पेमेंट मांग रही है कि नूर साहब तभी इंटरव्यू देंगे, तभी रिकॉर्डिंग करवाएंगे जब वो उन्हें पेमेंट देंगे. एंड गाइस, सिद्दीकी इज़ नाउ क्रूअल एंड फर्म. देन ही कम्स टू देवेन्स रेस्क्यू एंड सेज ही विल ट्राई टू अरेंज फंड बाय अपीलिंग टू द अथॉरिटीज़. सो गाइस देखो, उसके बाद जो सिद्दीकी है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाता है और वो कहता है कि ये देवेन तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसमें क्या करूँ, मैंने तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके तुम्हें टेप रिकॉर्डर और जो भी टेप्स वगैरह थी वो सब दिलवा दी थी, सारा उसका फंड दिलवा दिया था. बट उसके बाद जो देवेन है वो रोने लग जाता है और बोलता है सिद्दीकी से कि अब तुम कुछ करो. एंड देन जो सिद्दीकी है वो बोलता है कि ठीक है मैं कॉलेज जाऊंगा, अथॉरिटीज़ से बात करूंगा अगर वो तुम्हारे लिए कुछ फंड रेज कर सकेंगी तो. एंड गाइस, व्हेन सिद्दीकी इन्फॉर्म्स देवेन अबाउट द फंड देवेन इज़ मोर शॉक देन हैप्पी. सो गाइस, जो सिद्दीकी है
वो अथॉरिटीज से फंड कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और जब वो देवेन को इस बारे में बताता है सो देवेन इज़ मोर शॉक्ड देन हैप्पी। देवेन जो है वो खुश होने से ज़्यादा शॉक्ड होता है। एंड देन देयर आर टू मोर ऑब्स्टेकल्स इन देवेन्स वे। सो गाइस देखो, अब देवेन के रास्ते में दो और ऑब्स्टेकल्स हैं। वो दो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? फर्स्टली ही हैज़ टू अप्लाई फॉर अ वीक्स लीव। एक तो उसे कुछ हफ्तों की लीव चाहिए जिसके लिए उसे अपने हिंदी डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ सरला। दूसरा, उसे सरला की भी चिंता हो रही है। सो गाइस देखो, देवेन इन ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो देवेन ट्राइज टू रिजॉल्व दीज ऑब्स्टेकल्स। वो किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है? वो हिंदी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं त्रिवेदी, उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें मुराद के जनरल के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी हैं और उसे उर्दू पोइट्री की रिकॉर्डिंग करनी है। सो गाइस, जो त्रिवेदी है वो इस पर भड़क जाता है, कहता है उर्दू एंड उर्दू पोइट हिज मेमोरीज हिज पोइट्री टेप रिकॉर्डिंग्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट व्हाई कांट इट वेट Why can't it be done in this summer vacation? कि मतलब तुम्हें उर्दू पोइट की रिकॉर्डिंग करनी है, उर्दू पोइट की मेमोरीज की, उसकी पोइट्री की, ये सारी चीज़ों की तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है, तो तुम वेट करो, समर वेकेशंस का वेट करो, तब तुम ये सारे रिकॉर्डिंग्स कर लेना। सो गाइस, मतलब देवेन को यहाँ पर पता चल गया है कि जो त्रिवेदी है वो उर्दू लैंग्वेज से चिढ़ गए हैं, कि मतलब वो नहीं चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज का नाम भी आए यहाँ पर। और क्या कहते हैं त्रिवेदी यहाँ पर? आई वॉन्ट हैव मुस्लिम टोरीज इन माई डिपार्टमेंट। यू विल रेन माई वॉइस विद योर मुस्लिम आइडियाज योर उर्दू लैंग्वेज। I'll complain to the principal. I'll warn the RSS. You are a traitor. क्या कहता है यहाँ पर त्रिवेदी कि तुम अपने इन मुस्लिम आइडियाज से जो हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके दिमाग में भी उर्दू लैंग्वेज भर दोगे, ऐसा फितूर भर दोगे, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी इस बात के बारे में कंप्लेंट करूँगा और मैं RSS को भी बुलाऊँगा। यू आर अ ट्रेटर कि तुम हिंदी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो और तुम उर्दू डिपार्टमेंट के लिए पोइट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। सो गाइज, उसके बाद जो देवेन है वो अपनी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचता है, जो कि है सरला। वो सरला को बोलता है कि तुम अपने घर हो आओ, मतलब अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ थोड़े दिन के लिए, बिकॉज मुझे दिल्ली में कुछ एक्स्ट्रा काम है। सो गाइज, सरला जब बोलती है देवेन को कि उसके पेरेंट्स पूछेंगे देवेन के बारे में तो वो क्या बताए, तो गाइज देवेन जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हो जाता है और वो कहता है हाउ कैन आई टेल देम दे आर इलिटरेट, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड माई वर्क। सो एक तरीके से जो देवेन है यहाँ पर उनकी इंसल्ट कर रहा है कि मतलब वो मेरा काम कैसे समझेंगे, वो तो अनपढ़ है। सो गाइस, देखा जाए तो देवेन की दोनों जो प्रॉब्लम्स थी उनमें से एक प्रॉब्लम, चलो सरला को तो वो फोर्सफुली भी भेज देगा, लेकिन जो उसकी कॉलेज वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व नहीं हुई है। सो गाइस, देवेन डिसाइड करता है कि वो जाएगा नूर साहब के इंटरव्यू के लिए, बिकॉज जो टेप रिकॉर्डर वगैरह है सब कुछ कॉलेज ने ही तो दिलवाया है, तो लीव का भी जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस चैप्टर एंड्स विद द कन्वर्सेशन बिटवीन सरला एंड देवेन। और गाइस, ये जो चैप्टर है सरला और देवेन की बातों से एंड हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो देवेन है वो सरला के पेरेंट्स के बारे में बोलता है कि मतलब वो तो इलिटरेट है, वो मेरे काम को किस तरीके से समझ पाएंगे। सो दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड आई होप आप लोगों को ये इन कस्टडी का चैप्टर 8 क्लियर हो गया होगा। एंड वेरी सून आई विल अपलोड द चैप्टर 9 10 एंड 11। ओनली 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट राइट नाउ एंड विल डिस्कस ऑल दीज चैप्टर्स वेरी सून। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई और नॉवल में कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।